अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 150 प्रोफेशनल कार्ड जो कि PST में है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन पासवर्ड के लिए काइंडली वॉच कीजिएगा। मैं पहले आपका इनका रिव्यू दूँ ये कि कैसे हैं, और फिर इनका ऐड करना और ETC आपको बताऊँगा। फर्स्ट पे मैं बीच बीच में से ही फाइल्स को ओपन करूँगा, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल सभी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बीच बीच में से ओपन करूँगा। मॉडल स्कूल आ गया ये, और इस फाइल को भी आप एडिट कर सकते हैं, सभी ही एडिटेबल फाइल है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ इनका कि ये क्या चीज़ है। और आगे आ जाए यहाँ पे, नेक्स्ट हम कोई चेक करते हैं ब्यूटी एंड रिलैक्स, इसकी ब्यूटी डे। और यहाँ पे आप अपना लाखों वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट में दे रहा है, मतलब ब्लैक भी दे रहा है और लाइट पैक भी दे रहा है आपको, जो आपको अच्छा लगे वो। और बेसिकली ये तो मुझे कोई फोटोग्राफर जो है उसका, हाँ ये है फोटोग्राफर, यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी रिलेटेड रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वैसे, ये थोड़ा सिंपल सा ही है लेकिन प्रोफेशनल में ही आता है। यहाँ पे आप मॉडर्न पर्सनल गेम डिज़ाइनर जो कोई गेम्स डिज़ाइनर है उनके लिए, या वैसे भी आप एडिट कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट दी गई है, ये लाजमी नहीं है कि ये एक गेम डिज़ाइनर के लिए है, तो गेम डिज़ाइनर ही के लिए आपको जो टेम्पलेट अच्छी लगती है उसमें आप अपना डाटा इन कर दें, और अपने टेम्पलेट जो भी आपने टाइप वगैरह करना है उसको भी आप कर सकते हैं। मैं एक को यहाँ से जो है वो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ही आ गया मैं मॉडल स्कूल पे ही, और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया फोटोशॉप में। ये रहा, ये एक इसका साइज आ गया जो भी आपने प्रिंट जो आपने निकालना है चाहिए। यहाँ पे फोटोज की जगह आ गई जो आपने यहाँ पे फोटो एडजस्ट करना है, कलर, और यहाँ पे शेप नंबर 1 कलर, यहाँ पे ग्रेडिएंट जो अप्लाई कर लें आप वो भी बेटर है, तो आपको अच्छा लगे तो ये ऐसे ऐसे, या जो कलर बैक पे आपको नजर आ रहा है उसी को ही एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपका लागू है उसके रिलेटेड कलर रखें तो वो बेटर रहेगा। और ये जो टेम्पलेट्स हैं ये CMYK कलर में RGB कलर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रिएटिव, यहाँ पे भी आप चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सिंपली है, इसका आई थिंक बैक साइड नहीं है, एक ही इसकी टेम्पलेट पड़ी हुई है यहाँ पे। पोर्ट्रेट मॉडल्स फैशन एजेंसी, इस फाइल को मैं एडिट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट किया मैंने फोटोशॉप में, इंपोर्ट किया और यहाँ पे आ गया। और इस फाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, बेसिकली यही फाइल लगी रहे तो बेटर है, अगर आपको आपके पास इसके से अच्छी है तो देन आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसका कलर तो आपको पता होगा कि यहाँ से ग्रेडिएंट्स ओवरले और कलर ओवरले, और ये रहा बैकग्राउंड इसका, और ये रहा फॉन्ट, और ये जो बैक पे आपको मदम लाइट जो ब्लैक लाइट आपको नज़र आ रही है शेप, इसको भी आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस शेडो की वजह से जो ये राइटिंग हुई है वो ये थोड़ी हाईलाइट हो जाती है, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड आप करना चाहें तो वेल, अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, जिसको आप जिस तरह से बेटर डिज़ाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा डिज़ाइन है और आई थिंक ये फ्रंट ही है, एक ही फाइल में आपको दोनों फाइलें मिल रही हैं। यहाँ पे ये फ्रंट रहा फ्रंट आर्ट वर्क, और ये रहा बैक आर्ट वर्क, बैक आर्ट वर्क पे आपको जो
जो आपकी वेबसाइट है, लाखों है इतनी, वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ऐसे ही इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने येलो किया हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कलर इस सर्कल में है वही यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये देखें इसका कलर चेंज हो गया और अब थोड़ी बहुत इसकी बैटर हो गई। सो हम लास्ट टेम्पलेट्स को ओपन करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है। सो कोई बात नहीं, इसको ही मैं इसको छोड़ेंगे टेम्पलेट सब एडिटेबल फाइल में। आप अगर फोटोशॉप को नहीं भी जानते तब भी आप इसी की इसको एडिट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल कार्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रहा लेयर्स और यहाँ पे आपको इसकी जो ग्रुप इसका बना हुआ है वो नज़र आ रहा है। और ये रहा इसका बैक, बैक इसका ब्लैक उन्होंने बना दिया है और जो फ्रंट है वो ऐसे कर दिया उन्होंने। और इस लेयर में आप अपनी फ़ोटो अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्रिएटिव बिजनेस जो भी आपके रिलेटेड कोई बिजनेस है। तो मेरे पास तो वॉलपेपर बैकग्राउंड ही पड़े होंगे या गर्ल्स पिक्चर होंगे, किसी जो इसके रिलेटेड है आप वो इसको इंसर्ट करें तो बेटर रहेगा। मॉडर्न ये रहा और ये भी टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रही है। ये नहीं है कि ये एक टेम्पलेट्स एक मॉडर्न के लिए है या क्रिएटिव इंस्पिरेशनल जो भी आपको बनाना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए उसके रिलेटेड हो या ना हो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें एडिट करें। ये नहीं कि ये एक मॉडल स्कूल की ये टेम्पलेट्स है तो आप इसको मॉडल स्कूल में करें, नहीं, आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगता है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। आई होप कि ये डेटा आपको अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। I love this.